परिणीति चोपड़ा एंड राघव चड्ढा की जस्ट शादी हुई है, तो इस वीडियो में मैंने रिक्रिएट करा है इनका ये वाला मेकअप लुक, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड शीतल। सो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अभी जस्ट एक या दो दिन पहले परिणीति चोपड़ा एंड राघव चड्ढा की शादी हुई है, एंड परिणीति लुक्स ब्यूटीफुल, लाइक दे आर लुक ब्यूटीफुल बोथ, राघव चड्ढा एंड परिणीति बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों ही। एंड गाइस, आप लोगों ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी होगी, लाइक मैंने तो बहुत ही करी है, लाइक आलिया भट्ट की शादी थी एंड उसकी अनन्या पांडे की सिस्टर की भी शादी थी, कज़न की उसकी, मैं भी अलाना पांडे आई थिंक, एंड बहुत सारे और भी सेलेब्स हैं जिन लोगों की शादी हुई थी, सब लोग ना पिंक बेज एंड थोड़ा वाइट कलर को ही प्रेफर कर रहे हैं अपनी शादी में, एंड मेकअप के नाम पे कुछ नहीं करते, लाइक नो मेकअप मेकअप लुक होता है, जैसे कि पहले होता था ना कि कितना मेकअप लगाया जाता था, लाइक ब्राइड एकदम अलग ही लगती थी, अलग एज इन अब भी लगती है, लेकिन वो होता है ना कि एकदम अलग, लाइक दूर से देख के लगता था भाई कितना सारा मेकअप कर लिया, वैसा लगता था, लेकिन आजकल लोग ना बिल्कुल भी मेकअप में इंटरेस्ट ही नहीं है, लाइक इतने ज़्यादा नहीं है, दे प्रेफर अ नो मेकअप मेकअप लुक, एंड और कलर भी इतने सूदिंग एंड कामिंग कलर वो लोग वियर करते हैं, लाइक वाइट बेज एंड जो एकदम न्यूट्रल कलर होते हैं ना, जो पहन के एकदम अच्छा सा लाइट लाइट फील होता है वो वाले कलर, सो आई लव दिस। सो आज हम इस वीडियो में यही करने वाले हैं कि हम परिणीति चोपड़ा का ये वेडिंग लुक रिक्रिएट करेंगे, रिक्रिएट एज इन मेरे को ना लहंगा नहीं मिला है, तो मैं सेम टाइप की साड़ी ली है, सेम टाइप की लाइक क्रीम कलर की, एंड सेम डिज़ाइन वगैरह भी है, लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट्स वाई आई पिक दिस साड़ी, एंड सेम टाइप के ऑलमोस्ट रिक्रिएट करेंगे मेकअप लुक को, प्रेफर हमारा मेकअप ही रहेगा कि मेकअप पूरा एकदम अचीव हो जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है, और मेरे को लगता है बहुत मस्त होने वाला है, आई लव द होल थिंग। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो मेकअप स्टार्ट करते हैं, उससे सबसे पहले है ना, मैं वेट वाइप से अपने जितना भी अपने फेस पे गंद होगा उसे क्लीन कर लूँगी, लाइक मैंने फेस वॉश वगैरह तो पहले ही कर लिया था, बट वेट वाइप से जस्ट मेकअप से पहले क्लीन कर लेते हैं, एंड मेरे को लगता है कुछ नहीं है, लिपस्टिक नहीं हटा रही, बाकी सब हटा दिया है, लाइक ओके बिल्कुल क्लीन है। स्टार्ट करूँगी मैं इससे, ये है प्राइमर एंड ये बहुत ज़्यादा वायरल है, तो सा छोटा सा है, मिनी वाला लिया है, इनसाइड का प्राइमर है एंड इट्स रियली नाइस गाइस, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, सिर्फ 100 रुपीज़ का आया था, अभी ना उस पर सेल भी चल रही है, एंड मैंने ना अभी एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने सारे प्रोडक्ट सिर्फ 100 रुपीज़ के लिए हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी के, लाइक फुल फेस मेकअप करूँगी विद 100 रुपीज़ प्रोडक्ट, यू गाइज लव दिस वीडियो, एंड वो भी आपको शायद इसके बाद वो वाली वीडियो आ जाएगी, सो यू गाइज लव दिस एंड लुक एट दिस। इस प्राइमर का नाम है प्राइम एंड परफेक्ट हाइड्रेटिंग प्राइमर, इनसाइड कॉस्मेटिक का है, सो यस बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है, ये ना मैंने पहले भी यूज़ करा है, क्योंकि इनसाइड के ना मेरे को लगता है इनसाइड हो गया, ब्लू हेवन हो गया, इन सब के ना बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आ जाते हैं सारी चीज़ें, एज कम्पेयर टू मैक बहुत ज़्यादा हाई। मैंने प्राइमर लगा लिया एंड लुक एट द फिनिश, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है एकदम पूरे, मेरे ना इतने पोर्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन पूरे अगर जिनके बहुत ज़्यादा पोर्स वगैरह होते हैं उनका पूरा पोर फिल हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, लिटरली बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, तो प्राइमर लगा लिया देन हम जाते हैं बेस मेकअप पे, बिकॉज आई मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लाइक उनका बहुत ज़्यादा ही सिंपल है आई मेकअप, तो स्टार्ट विद द बेस मेकअप, तो मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी फिट मे का, सो लेट्स डू इट। आप लोग बता सकते हो आप किसका फाउंडेशन लाइक और कोई चीज़ देखना चाहते हो वीडियो टाइप, तो आप लोग ना कमेंट भी कर सकते हो, मैं ना बना दूंगी, बिकॉज मेरे पास टाइम ही टाइम है यार, मैं कुछ करती धरती हूँ नहीं, यही मेरा काम, नेक को कभी नहीं भूलना, लाइक कभी भी नेक को मत भूलना यार, फाउंडेशन के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आजकल लोग ना जैसे कि बैटिंग वगैरह हो रही है तो किसी भी जो होती है ब्राइड वगैरह तो उसके नेक के साथ जो इसका ओपन एरिया होता है लाइक बैक साइड में, ठीक है, उन सब पे भी सब लोग फाउंडेशन लगाते हैं, इवन
टीवी सीरियल्स में वगैरह में अगर आप लोग देखते हो तो उन लोगों का मेकअप ना सिर्फ फेस का मेकअप नहीं होता, पूरी बॉडी पे मेकअप करते हैं, जो जो ओपन एरिया होता है, क्योंकि इवन लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दो दो कलर की है या सो अब मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, बेस मेकअप हो गया है। नाउ आई एम डूइंग द आईब्रोज। ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल है जो आपको आराम से बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, शायद 150 समथिंग का आई गेस, अगर आप कॉम्बो लेते हो तो बहुत सस्ता पड़ेगा लिटरली। इसका ना मेरे को सबसे अच्छा इसका एप्लीकेशन लगता है, लुक एट दिस, नॉर्मल नहीं है पॉइंट इसका, इसका पॉइंट जो है वो ऐसा वाला है तो आईब्रोज को सेव करने में बहुत हेल्प करता है। आईब्रोज हो गए हैं गाइस एंड मैं उन्हें थोड़ा सा सेव कर लेती हूँ, उससे ऑलमोस्ट डन। डिफरेंस आता है आईब्रोज करके मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। और अब हम करेंगे आई मेकअप, उससे पहले हमें लगाना है कंसीलर आईज पे, तो मैं स्टिक कंसीलर यूज करूंगी, ये पर्पल का है, पर्पल ब्रांड का ही है, ये मेरी स्किन से काफी लाइट है, काफी अच्छा है। मेरे को ना कंसीलर पता नहीं क्यों लाइट ही पसंद होते हैं, क्योंकि आईज पे ज्यादा, आईज के नीचे थोड़ा ना थोड़ी शाइनिंग रहनी चाहिए, और यहाँ पे आई लिड पे भी मेकअप जो आई मेकअप करता है वो अच्छे से खिल के आता है, इस वजह से लुक एट दिस कितना लाइट है। सो आई मेकअप के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा लुक एट दिस दिखाई दे रहा है, तो कुछ नहीं है, जस्ट क्रीज पे ब्राउन कलर लगा देंगे एंड थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर पूरे में लगा देंगे, हल्का पिंक कलर भी लगाएंगे एंड थोड़ा सिमर ऐड कर देंगे जस्ट इतना है। तो मेरी ना ये रही आई शैडो पैलेट, सो मेरे पास एक ही आई शैडो पैलेट है, ये कलर बोर्ड की एंड दिस पैलेट रियली वेरी पिगमेंटेड, मैं आपको एक दो स्वेच करके दिखा भी देती हूँ, लेट्स लुक एट दिस। अब इसके अलावा ये कैसा लाइट ग्रीन टाइप दिख रहा है ना आपको, देखिए बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत मस्त है, मेरे को बहुत मस्त लगती है ये वाली आई शैडो पैलेट। तो स्टार्ट करते हैं क्रीज से एंड क्रीज में करना है ब्राउन कलर, सो लेट्स डू दिस। मैंने ले लिया ब्राउन कलर एंड उसे जस्ट अपनी क्रीज पे लगाएंगे। आप लोगों को पता होगा क्रीज वगैरह कहाँ होते हैं, लाइक दिस, और उसे स्मज करते जाएंगे, स्मज करने के लिए स्मज ऐसे ब्लेंड करते जाएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बहुत ज्यादा। कभी भी आई मेकअप करते हैं ना, ब्लेंडिंग इज अ की। मेटलिक कलर है जिसे मैं अपने पूरी आईलेट पे लगा लूंगी जस्ट इतना, देन थोड़ा सा ब्लैक काजल या आईलाइनर लगा के उसे स्मज कर देंगे। चलो हल्का हल्का लगा लेते हैं आईलेट्स पे एंड लुक एट द पिगमेंटेशन, इट्स रियली प्रिटी यार, बहुत सुंदर कलर है लिटरली, आई लव दिस। सो गाइज आई मेकअप तो मेरा हो चुका है, लाइक थोड़ा सा रह रहा है नीचे ना क्रीज पे, जो हमने ब्राउन कलर लगाया था सेम कलर को क्रीज आईज के नीचे लगा देंगे उसे एनहांस करने के लिए। तो इससे पहले हमें लगाना है थोड़ा सा कॉन्टोर, क्योंकि जितने भी डार्क एरिया है आईज के नीचे वो हमारा हो जाए कवर। तो आप लोग ऑलरेडी देख रहे हो मैंने आई लैसेस वगैरह जो फेक लैसेस होते हैं वो सब लगा लिया है, तो आईज के नीचे मैंने थोड़ा कंसीलर लगा रही हूँ एंड जितना भी ये डार्क एरिया दिख रहा है आपको वहाँ पे लगा रही हूँ थोड़ा हल्का हल्का कंसीलर। सो इसके अलावा हम ब्लश लगाएंगे, पहले इस कंसीलर को ना पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। वैसे आप लोग मेरे को एक चीज कमेंट पे बताना है कि आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, लाइक परिणीति मेरी फेवरेट तो नहीं थी, बिकॉज आई हैव ओनली वन फेवरेट एक्ट्रेस, वो है प्रियंका चोपड़ा, सो उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, सी इंस्पायर मी अलॉट। वो परिणीति चोपड़ा की शायद कजन सिस्टर है आई गेस, सो यस मेरी फेवरेट तो प्रियंका चोपड़ा ही है और वो ही रहेगी नो डाउट। सो मैंने जो कंसीलर लगाया था वो मैंने ब्लेंड कर लिया, अब मैं ना ये जो मैंने ऊपर क्रीज पे लगाया सेम ब्राउन कलर इसके नीचे लगाऊंगी, बहुत हल्का हल्का, तो बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बहुत हल्का लगाना है। थोड़ा
थोड़ा सा इफेक्ट आना चाहिए, बहुत ज्यादा मेरे को वैसे पसंद नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है उसमें जो दिखाया है ना, मेरे को जितना लग रहा है कि हाँ ये करा है मैं उसके अकॉर्डिंग ही ये मेकअप कर रही हूँ आई गेस। अब मैं जो करूंगी ना, लाइक आई एम यूजिंग ऑल क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, लाइक मैं पहले कॉन्टोर जो करूंगी, ब्रोजर कॉन्टोर करूंगी वो क्रीम बेस्ड होगा, ब्लश क्रीम बेस्ड लगाऊंगी, देन उसके ऊपर जितने भी जो क्रीम पाउडर बेस्ड होते हैं वो यूज करेंगे। तो क्रीम बेस्ड के लिए मैं है ना ब्लश में हमेशा मेरी ये मेबलिन की लिपस्टिक है जो ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाली है यही यूज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत प्यारा कलर है, लिटरली बता रही हूँ गाइस, आप लोग खरीद लो, 2 in 1 मतलब काम करेगी, लिपस्टिक तो करेगी एंड दिस लिपस्टिक रियली नाइस, क्रीम बेस्ड लिपस्टिक है और ये काफी अच्छी है, काफी प्यारा है। सो यस, अब इसे हम जल्दी से ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड भी मैं इसी से करूंगा ब्यूटी ब्लेंडर से। अब हम कॉन्टोर लगाएंगे, वैसे मेरे को लगा पर ही नहीं दिखी, फोटो देख के ना ऐसा पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ उनका ना पूरा एकदम फेस एकदम वैसा लग रहा है सेप्ड, तो मेरे को लग रहा है कॉन्टोर तो कर रहा ही होगा, अरे करते हैं तो उसे करके अच्छे से पाउडर से सेट कर देंगे ना, काफी सही लगेगा। सॉरी, एंड मैंने कॉन्टोर लगा लिया है और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, और ये मैं ये ना काफी अच्छी शेप दे देता है, मैंने ना किसी एक्ट्रेस को ही करते हुए देखा था, तो ऐसे अगर कॉन्टोर करते हैं ना तो ये ऐसे पूरा एक फेस शेप्ड हो जाता है, और ये वाले नेक वाले एरिया ऐसा डाउन चला जाता है, तो बहुत प्यारा इफेक्ट आता है, आप लोग देखना एंड में देखना, जब ये पूरा मेकअप जब मेकअप करते हैं ना तब तब तो ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेकअप सेट होने के बाद रियल अच्छा ना तभी लगता है, जब पूरा मेकअप सेट हो जाता है थोड़ा सा आपका तब प्यारा सा लगता है, तो आप लोग एंड तक जरूर देखना। आप लोग देख रहे हो ना ये ऐसे इफेक्ट आ रहा है, लाइक डीप इफेक्ट आ रहा है ऐसे करने के बाद, तो बहुत अच्छी टेक्निक है, आप लोग भी यूज कर सकते हो, अगर आप लोग भी डबल चिन वगैरह है तो बहुत सही है। सो सारे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, अब मैं जो लगाऊंगी ना वो सारे पाउडर बेस्ड होंगे, तो मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ब्लश पैलेट, अल्ट्रा ब्लश पैलेट, एंड इसके अंदर ना गाइस लुक एट दिस, सब कुछ अवेलेबल है, लाइक पूरे ब्लश अवेलेबल है, कॉन्टोर है, हाईलाइटर है, इधर पिंक वाला हाईलाइटर, थोड़ा व्हाइटिश वाला भी हाईलाइटर है, ये लाइट कॉन्टोर है, आप लोगों को सब कुछ इसमें मिल जाएगा, एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा महंगी है टाइप्स। सो मैंने बहुत दिन हो गए इसे लिए हुए, तो मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद भी है, पहले मैं पाउडर बेस लगाऊंगी ब्लश, लुक एट दिस पिगमेंटेशन बहुत तगड़ा है इसका, लिटरली बहुत अच्छा है। ना मस्त, अभी आपको ये ज्यादा लग रहा है, लेकिन अभी ना पूरा मैं जब पाउडर इस पे बेस करूंगी ना तो पूरा फेडअप हो जाएगा, ऐसा जो नेचुरल होता है ना वही लगेगा, आप लोग देखना एंड तक, काफी अच्छा आएगा सेम एग्जैक्ट। सो ब्लश मेरा ऑलमोस्ट दोनों साइड हो गया है, इधर थोड़ा ज्यादा हो गया, अब मैं करती हूँ कॉन्टोर। सो गाइस पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट मैंने ऑलमोस्ट सारा लगा लिया, अब मैं लगाने वाली हूँ सारा पाउडर, बेकिंग करूंगी अंडर आई एंड पूरे फेस पे पाउडर लगा के उसे सेट कर दूंगी, सो उससे पूरा वो सेट हो जाए, तो यस स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ देखना जब मैं इसे हटाऊंगी ना, डस्ट ऑफ करूंगी सब पूरे फेस को, तो अब ये पूरा नेचुरल लगेगा, राइट, कभी भी मेकअप करते हुए ये एकदम से अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब वो सेट हो जाता है ना मेकअप, लाइक 5 to 10 मिनट्स के बाद में वो बहुत ज्यादा एनहांस हो के आता है, मेरे को पर्सनली ऐसे फील होता है। सो आप लोग भी देखना जब कर रहे होगे ना तब ऐसा लगेगा कितना ज्यादा प्रोडक्ट लगा दिया, लेकिन जब वो सेट हो जाएगा 5-10 मिनट में, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाता है अपने आप डस्ट ऑफ हो जाएगा एंड वो सेट हो जाएगा, देन आप लोगों को अच्छा लगेगा लिटरली। अभी पाउडर लगाया है उसे डस्ट ऑफ कर लेते हैं, पहले अंडर आई, वैसे मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिया है एंड फिर भी थोड़ा बहुत रह गया होगा वो निकल जाएगा, एंड आप लोग देख रहे हो ना कितना नेचुरल आ रही है ब्लश, पहले बहुत ज्यादा लग रहा था, वही तो कह रही थी कि जब पाउडर लगाते हैं ना थोड़ा सा वो
वो फेड हो जाता है, थोड़ा दब जाता है। तो यही है कि जब थोड़ा सा ज्यादा लगे तो उसका कुछ नहीं, आप पाउडर उससे सेट करोगे और नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी 5-10 मिनट बाद और देखोगे ना, ये पूरा जब मेकअप थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा, स्किन कलर में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सेम कलर का फाउंडेशन लगाया है, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेती हूँ, देन सेटिंग स्प्रे लगा के फिनिश कर दूंगी लुक को। एंड लिपस्टिक, लिपस्टिक मैं सी इज वेयरिंग अ लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, लेट मी सी, हाँ बहुत ज्यादा लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है, तो हम सेम करते हैं। मैं ना सो गाइस, अब मैं लिप लाइनर कर लेती हूँ। सो यस, सो लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर ली है सेम कलर की। अब हम करते हैं सेटिंग स्प्रे से अपना फेस को सेट। एंड एक और चीज, देन उसके बाद हम थोड़ी सी ज्वेलरी पहनेंगे एंड साड़ी पहनेंगे। साड़ी एज इन उसी वे में जैसे जैसे उन्होंने करा है, सेम वे से करेंगे, डोंट वरी, एंड बहुत अच्छा लुक आने वाला है। तो गाइस मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं ये इनसाइड कॉस्मेटिक का सेटिंग स्प्रे है, पूरे फेस को अच्छे से सेट कर दूंगी। वैसे मैं ना हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर पे करके ही करती हूँ यार, क्योंकि बहुत ज्यादा लग जाता है। तो यस, बहुत है इतना। मैंने पूरे फेस पे लगा लिया है। अब मैं आपको 5 मिनट बाद मिलूंगी, जैसे ये पूरा अच्छे से सेट हो जाता है मेकअप, तब हम मैं ब्लाउज पहन के आ जाऊंगी, देन हम पूरे ज्वेलरी वगैरह एक साथ वेयर करेंगे। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप यू गाइज लाइक इट, बिकॉज इसमें है ना कितना इजी था इसका मेकअप एंड ऑल, बहुत ज्यादा इजी था। तो आजकल ना सेलेब्स वगैरह जितने भी हैं, वो लोग ना ऐसे ही नो मेकअप मेकअप लुक करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा गर्मी होती है या कुछ भी होता है, पूरा मेकअप मेल्ट होके बेकार नहीं हो जाता, क्योंकि अगर ज्यादा मेकअप लगाएंगे कि ही लगता है। तो इस वजह से वो लोग भी ना ऐसे ही मेकअप वेयर करते हैं आजकल। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी एंड ब्रिजी है, एंड आपको भी ट्राई कर सकते हैं यार मेरे अकॉर्डिंग। तो आप लोग बताना कैसा लगा, एंड इट्स लुक नाइस। आई थिंक सेम लहंगा होता और सेम ज्वेलरी होती तो पूरा परफेक्ट लुक आता। तो अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं, तो आई विल ट्राई टू बाय दैट टाइप सिमिलर काइंड ऑफ लहंगा एंड ज्वेलरी, एंड हम सिमिलर लुक भी रिक्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ मेकअप रिक्रिएट करा है, काफ़ी अच्छा मेकअप हुआ है, लाइक मेरे अफोर्डेबल उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सही आया है। तो क्योंकि सैलेब्स वगैरह तो बहुत महंगे महंगे हाई एंड वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो अभी हम लोग नॉर्मल प्रोडक्ट से इतना अच्छा मेकअप कर लिया है। सो आई लव दिस। सो आई होप, सो गाइज वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। एंड वन मोर थिंग, आप लोग ना अपना फेवरेट कोई भी टॉपिक वगैरह, या आप किसी चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं उस टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं रिसर्च करके पूरे अच्छे से वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग और भी इस टाइप के मेकअप रिलेटेड, या फिर आप लोग चाहते हो कि आप ब्राइडल सीरीज देखना चाहते हो मेरी, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मेरी ब्राइडल सीरीज एंड मेकअप कंटेंट है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प। सो बाय, थैंक।